अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे आप? ठीक है। पाकिस्तान ग्लोबल पे शाहिद खान आपके सामने एक छोटे से ब्लॉग में फिर एक नई जगह आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहिद भाई आपका आज ब्लॉग बना रहा है हिंदू की कम्युनिस्ट जो यहाँ पर इनके मंदिर हैं कराची के अंदर, तो यहाँ पर इनकी मालूमात लेते हैं और मतलब किस तरह इनका मतलब क्या कहते हैं ये पूजा और कौन कौन से मतलब इनके पास यहाँ पर भगवान है, तो इनके हवाले से ये यहाँ पर क्या कहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सकते हैं कि हमारे साथ जो क्या कहते हैं हमारे भाई हैं विजय महाराज, तो यहाँ के बारे में आपको सही मालूम देंगे और आपको क्या कहते हैं यहाँ के बारे में इनके मतलब क्या कहते हैं किस तरह कल्चर है, किस तरह लोग क्या करते हैं, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर ही आपको विजय महाराज भाई आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम विजय भाई। राम विजय महाराज है, मैं स्वामीनारायण मंदिर का पुजारी। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये स्वामीनारायण जी का जी, जो तकरीबन ये तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, 200 साल पुराना मंदिर है जी। तो 200 साल पुराना मंदिर, तो यहाँ के मतलब आप? मैं यहाँ के पुजारी हूँ, मेरे अबू थे, दादा थे। अच्छा, यहाँ की जो हमारे ट्रस्ट जो ये मंदिर को संभालती है, हैंड ओवर करती है। अच्छा, और बाजू में जो मंदिर है राधा कृष्ण का। अच्छा, आप थोड़ा सा क्या कहते हैं बताएंगे किस मतलब क्या है? ये हमारे भगवान जैसे होते हैं ना कृष्णा, तो उनके बारे में ज्ञान देते हैं, बताते हैं। अच्छा, इनका जो जन्म स्थान हुआ है इंडिया के अंदर, ये स्वामीनारायण जी का। अच्छा, तो अब इनका अप्रैल में आता है, इनकी जो जन्म के दिन आता है तो हम बड़ी धूमधाम से इनका मनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, और सेलिब्रेट करते हैं इसका। इसके बाद हमारे बाप कहाँ लेके जाएंगे आप? हम ये राधा कृष्ण जी के मंदिर में ले जाएंगे। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। अच्छा, श्री राधा कुंजवारी का जो तकरीबन ये भी मूर्ति काफी पुरानी है, पार्टीशन से पहले की है। कितने साल पुरानी है ये? तकरीबन इस मंदिर को 200 साल हो गया, तब से मंदिर हुआ है, तब से ये मंदिर में देख रहे हैं मूर्ति हम भी। अच्छा, 200 साल पुरानी मूर्ति है जी जी। अच्छा, इसका मतलब क्या कहते हैं मतलब ये मेन जो है ये हमारे राधा कृष्ण है, मेन जो हमारे भगवान जो है ना ये राधा कृष्ण है। अच्छा, मेन ये राधा कृष्ण जो दूसरे वो थे वो स्वामी है, वो स्वामी नारायण। क्या हमें आपको मंदिर का राउंड दिखा देता हूँ। उधर हनुमान जी का, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी और गणेश जी का मंदिर का आपको अच्छा, दर्शन करवा। गणेश जी का मंदिर जी 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 अच्छा। ये हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, ये हनुमान जी है जिसकी हम सैटरडे के दिन इनकी पूजा होती है, तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है और मंदिर हमारा तकरीबन 4:30 बजे खुलता है, रात को 10 बजे तक खुला होता है। अच्छा, और ये गणेश जी का मंदिर है। ये गणेश, गणेश अच्छा, ये तो सबसे मेरा ये तो हमारे जो और गणेश जी की हम पूजा करते हैं, जैसे घर में शादी ब्याह या नया घर लेते हैं तो हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। अच्छा, और हमारे जैसे इनका फेस्टिवल आता है गणपति बापा मोरिया, हाँ, जो हम वो भी बड़ा धूमधाम से तो मनाते हैं। और ये शिव शिव जी है, शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। शिवलिंग क्या मतलब? शिव जी जो गणेश जी के पिताजी है ना शिव, ये उनका है, ये उनकी हम पूजा करते, इसमें दूध फूल अगरबत्ती पानी जल जो है वो चलाते हैं हम। ये दोनों इनके दरबारी है, दरबारी, और ये नंदी है, नंदी बैल है ना, नंदी 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 महाराज। सही सही, ठीक है। बाकी तो हमारा ये पूरा मंदिर है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से रुझे बना सकते हैं। इधर बस ये देखने, ये मंदिर है, ये इसे ये बना रहा है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत है, इनकी जो ऊपर झंडा जो लगा, हम लोग इसको बोलते हैं ध्वजा, ध्वजा इसमें हनुमान जी का झंडा भी लगा होता है। अच्छा, इसमें किसका? हनुमान जी का, हनुमान जी। अच्छा, ये जो हमारे हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं, तो ये कहाँ पर, इनकी लोकेशन क्या है? हमारे कम्युनिटी हिंदू बहुत है, इधर लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन लाइट हाउस, लाइट हाउस, ये एमएजना रोड है, सही, स्वामीनारायण मंदिर लाइट हाउस पे। अच्छा अच्छा, केएमसी हेड ऑफिस के सामने बड़ी, उसके सामने मंदिर है। अच्छा व्यूअर्स, आज क्या कहते हैं आपने शाहिद भाई का ब्लॉग देखा और विजय महाराज भाई ने आपको यहाँ के बारे में सारी मालूमात दी कि किस तरह ये लोग क्या कहते हैं अपने यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पे कम्युनिकिस्ट जो यहाँ पे आपके हिंदुओं की जो हमारी भाइयों की जो कम्युनिकिस्ट रहती है वो यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। तो इस तरह के आप हमारे ब्लॉग देखते रहे और शाहिद भाई आपको पता है कि कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको मिलता है, तो आप मेरे सिर्फ ब्लॉग देखते रहे और जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं यार जरा वो सब्सक्राइब भी करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपका भाई कहाँ कहाँ जाता है आपकी वीडियोस बनाने के लिए, तो लाजमी करें और इस तरह आप अपने शायद भाई को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ फिर एक नई जगह आपके सामने हाजिर होगा।